Hello, my dear students. In the class of method of teaching English, देखिए today by sub subject यानी जो हमारा topic है teaching of listening skills, तो इसके अंतर्गत हमने आपको और भी videos बताए थे, videos के माध्यम से है इसको बताया था. अब देखिए आज हम आपको बताने जा रहा हूँ importance of listening. ये आज का हमारा जो topic है वो importance of listening. देखिए क्या importance है listening का. तो लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज रिलेटेड प्रोसेस एंड लैंग्वेज इज द फर्स्ट लैंग्वेज रिलेटेड प्रोसेस. लिसनिंग को क्या बताया कि जो सुनना है लिसनिंग है ये पहला लैंग्वेज रिलेटेड प्रोसेस है. लैंग्वेज से संबंधित प्रक्रिया है कि कौन सी लिसनिंग. ये पहली प्रक्रिया है, पहला प्रोसेस है दैट द ह्यूमन बींग डज है जो हमारी मानव जाति है. मानव जाति के लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ सीखने के लिए तो सबसे पहली प्रक्रिया बताई गई है लिसनिंग है. तो लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज रिलेटेड प्रोसेस. तो देखिए अमंग द फोर बेसिक स्किल्स फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, अमंग द फोर बेसिक स्किल्स जो आपको बताए गए हैं, फोर बेसिक स्किल्स जिसमें बताया था आपको लिसनिंग है स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें बताया अमंग द फोर यानी चारों के बीच में जो बेसिक स्किल्स हैं हमारे उसमें फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज है भाषा को सीखने के लिए, भाषा की जानकारी के लिए, भाषा को जानने के लिए तो लिसनिंग इज फर्स्ट. इसमें लिसनिंग जो है वो पहला है एंड फॉरमोस्ट जो स्किल यानी जो सबसे अच्छा है फॉरमोस्ट स्किल एक्वायर्ड बाय द इन्फेंट यानी जो हमारा जो सबसे अच्छा स्किल सबसे अच्छा कौशल है सीखने का इसके द्वारा वाई द इन्फेंट. इन्फेंट मीन शिशु जिसको बोलते हैं हम है जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए उनके द्वारा सबसे अच्छा स्किल बताया गया जो पहला स्किल है वो लिसनिंग. देयर आफ्टर बाद में द लर्निंग ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स है बाद में तो लैंग्वेज सीखने के लिए जो क्या है ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स बहुत सारे निम्नलिखित स्किल्स हैं जैसे लाइक स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग है इतने सारे निम्नलिखित जो है हमारे स्किल्स हैं इसके माध्यम से हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं लैंग्वेज को सीखते हैं. टेक प्लेस इन दिस ऑर्डर जो इसी क्रम में अपना अपना स्थान लेते हैं इसी क्रम में हम लोग इनके माध्यम से इसके माध्यम से लैंग्वेज को सीखते हैं. तो जिसमें लिसनिंग इज द फर्स्ट एंड स्किल्स लाइक जैसे स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग है ये आफ्टर देयर आफ्टर है बाद में इसको है टेक्स्ट प्लेस इन दिस ऑर्डर इसी क्रम में हम इनके माध्यम से लैंग्वेज को सीखते हैं. अगला देखिए द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग लिसनिंग्स आर अब क्या कितने जो है लिसनिंग्स के इम्पोर्टेंस है वो बताए गए. नंबर वन लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज है भाषा को सीखना. भाषा का सीखना कैसे लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न्ड है भाषा नहीं सीखी जा सकती है विदाउट लिसनिंग. विदाउट लिसनिंग लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न्ड है बिना जो है लिसनिंग के भाषा नहीं सीखी जा सकती लैंग्वेज नहीं सीखी जा सकती. आफ्टर लिसनिंग है सुनने के बाद एंड आफ्टर लिसनिंग लिसनिंग के बाद टू द एल्डर्स रेगुलरली फॉर लॉन्ग टाइम जो हमारे एल्डर्स हैं जो हमारे एंगस्टर्स जो इसको कहते हैं वो हैं यानी है जो हमारे नौजवान हैं बच्चे हैं वो क्या करते हैं टू द एल्डर्स रेगुलरली लगातार फॉर लॉन्ग टाइम लंबे समय तक द चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड द काफी समय बाद क्या होता है वो अंडरस्टैंड द वर्ड्स यानी धीरे धीरे वो शब्दों को भी समझने लगते हैं और आगे देखिए थ्रो इमिटेशन. इमिटेशन सबसे पहले क्या होता है जो शिशु होता है या छोटे बच्चे होते हैं या जो कहते हैं स्टार्टिंग हम लोग करते हैं किसी चीज की तो सबसे पहले क्या थ्रो इमिटेशन. इमिटेशन मीन्स होता है नकल करना है देख देख के किसी काम को करना तो थ्रो इमिटेशन ग्रेजुअली स्टार्ट तो इसी से होती है इमिटेशन ग्रेजुअली स्टार्ट देख देख के जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे स्पीकिंग द वर्ड्स स्पीकिंग द वर्ड्स जब कोई बोलता है तो उसके शब्दों को हम देखते हैं या उसके शब्दों से ही हम स्टार्ट करते हैं बोलना या फ्रेजेस
को या सेंटेंसेस को ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के शब्दों को इसी प्रकार से बोलते हैं। पहले इमिटेशन है, इमिटेशन ग्रेजुअली स्टार्ट्स स्पीकिंग, इसी को करते हैं। देख के कोई जैसे छोटा बच्चा होता है तो पहले लोग क्या करता है, बोलता है धीरे धीरे, छोटे जो जैसे उसकी माँ बुलाती है, कुछ करती है, तो वो उसी तरह के शब्दों को पहले बोलता है, अकलाता है, और धीरे धीरे जो है वो शब्दों को बोलने लगता है, उसके बाद फ्रेजेस को, सेंटेंसेस, पूरे पूरे बात अपनी कहने लगता है। इस तरह से जो है भाषा को सीख जाता है। दूसरा पॉइंट है हेल्प इन लर्निंग प्रोनंसिएशन। अब देखिए लर्निंग प्रोनंसिएशन में क्या मदद करता है, देखिए लिसनिंग क्या इंपॉर्टेंस इसका है, कि हेल्प इन लर्निंग प्रोनंसिएशन में भी जो है इसका इंपॉर्टेंस है, इसका महत्व है। क्या है, द लिसनिंग लर्न्स द लिसनर लर्न्स द प्रोनंसिएशन। जो हमारा लिसनर होता है, जो हमारा श्रोता होता है, वो लर्न्स सीखता है द प्रोनंसिएशन, है उच्चारण को सीखता है फ्रॉम द स्पीकर। जो वक्ता होता है, वक्ता की कही हुई बात है, जो उसका वक्तव्य होता है, तो श्रोता जो है उसके उच्चारण को है, जो प्रोनाउंस करता है, जो प्रोनाउंसिएशन करता है, उसको सुन के सीख लेता है। द लिसनर्स माइंड कैच, देखिए कैच से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो जो हमारा लिसनर है, जो श्रोता है, माइंड उसका दिमाग, लिसनर्स माइंड, श्रोता का जो दिमाग है वो कैच करता है, क्या, द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को कैच करता है ऑफ द वर्ड्स, जो वर्ड्स बोले जाते हैं स्पीकर के द्वारा है, तो वो उन शब्दों को कैच करता है, वर्ड्स स्पोकन, जो शब्द वक्ता के द्वारा प्रोनाउंस किए जाते हैं, जो बोला जाता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसको लिसनर का माइंड जो है वो कैच करता है। द स्पीकर एंड लर्न्स देम, स्पीकर्स के द्वारा जो जो जिन शब्दों को बोला जाता है वो लिसनर्स का दिमाग कैच करता है और वो उसी से सीखता है, लर्न्स देम, और उनको सीख लेता है। अगला देखिए, हेल्पफुल इन लर्निंग स्ट्रेस इंटोनेशन एंड रिदम, इसमें भी मददगार होता है, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है लिसनिंग का, हेल्पफुल इन लर्निंग स्ट्रेस इंटोनेशन एंड रिदम, इनको भी सीखता है, इसमें भी सहायक होता है। लिसनिंग हेल्प्स, जो लिसनिंग है वो हेल्प करता है, मदद करता है इसमें, इन टू वेज, दो तरीके से मदद करता है लिसनिंग। कैसे, ए गुड लिसनर, एक अच्छा जो श्रोता होता है, इज एबल टू कैच, एक अच्छा श्रोता जो है वो समर्थ होता है, कैच करने में समर्थ होता है, वो कैच कर लेता है, किसी भी प्रोनाउंसिएशन को पकड़ लेता है, कैच द प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण के ही समझ लेता है, उच्चारण को कैच कर लेता है, एंड आल्सो ऑब्जर्व, और उसका निरीक्षण भी कर लेता है, यानी समझ भी लेता है, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इंटोनेशन एंड रिदम ऑफ द स्पीकर, यानी स्पीकर के द्वारा जो भी बोला जाता है, जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उसके कहे हुए शब्द को, सेंटेंसेस को, इनको वो स्ट्रेस इंटोनेशन एंड रिदम, सारी चीजों को वो स्पोकर स्पीकर्स के कहे हुए जो शब्द होते हैं, जो स्पोकन होता है, उसको वो सीख लेता है। दैट हेल्प द लिसनर, दैट हेल्प द, क्या लिखा था, रिदम ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा ये चीजें जो कही गई हैं, उसको जो उसका माइंड है, उसका दिमाग है, उसके जो स्पीकर के द्वारा बोला गया है, तो वो सुनते कैच कर लेता है, दैट हेल्प द लिसनर, और लिसनर जो हमारा श्रोता होता है उसकी मदद भी करता है, इन अंडरस्टैंडिंग, उनको समझ भी लेता है, इन द मीनिंग ऑफ द स्पोकन कंटेंट, जो कंटेंट बोला जाता है, जो सेंटेंस बोले जाते हैं, जो फ्रेजेस बोले जाते हैं, उनको समझ लेता है और उनका अर्थ भी समझ लेता है, कैसे, लिसनिंग के माध्यम से, अगर ठीक से तरीका आ जाता है, यदि ठीक से किसी चीज को सुना जाए तो, और उसके प्रोनंसिएशन पर, उसके जो कॉमा एम जिसको कहते हैं, आपका जो जो ये स्ट्रेस इंटोनेशन एंड रिदम होता है, इनपुट अगर आपको इसकी समझ है तो आपको उसका मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, आप सुनते ही सुनते आदि चीजों को
है समझ लेते हैं। तो आगे देखिए, एट द सेम टाइम उसी समय द लिसनर जो श्रोता होता है अंडरस्टैंड समझ लेता है द यूज ऑफ स्ट्रेस द स्पीकर्स स्पीक्स वो इंटोनेशन एटसेट्रा है। एट द सेम टाइम द लिसनर अंडरस्टैंड उसी समय है लिसनर जो हमारा श्रोता अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्ट्रेस इंटोनेशन इट इज एक्स्ट्रा और क्या चीजों को जो है वो समझ लेता है दैट हेल्प्स हिम है उनसे उसकी मदद करती है करता है मदद होती है टू स्पीक बोलने में अथवा रीड अलाउड है अथवा पढ़ने में व्हेन ही स्पीक्स और रीड अलाउड है तब तब जो है वह क्या करने लगता है स्पीक्स बोलता भी है और रीड अलाउड पढ़ भी देता है पढ़ता भी है ए? इसी तरह से इसके ये इम्पोर्टेंस है आगे टू बी कंटिन्यू है अगले वीडियो में इसके अगले जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको बताए जाएंगे। और एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आपका ये होता है आपका रीडिंग या स्पीकिंग या राइटिंग तो इनके इम्पोर्टेंस जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ये सारी चीज सभी के इम्पोर्टेंस का देंगे आपको लेकिन लिसनिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हमने बताए और अगले वीडियो में जो शेष इम्पोर्टेंस है वो बताएंगे। थैंक यू।